डॉक्टर विजय, क्या कारण है कि अभी तक इस बुखार की वजह से जितनी भी मौत हुई है वो सब छोटे बच्चे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैं डॉक्टर विजय येवले अपोलो हॉस्पिटल से निगरित हूँ, मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड हेल्थ अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई, और मैं इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का 2014 में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। इस बीमारी जो गए 5-6 साल में काफी बच्चों पे काबू लिया है और काफी बच्चों की जान जा चुकी है अब तक गए कई सालों में, इसका अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है 2012-13-14 साल में। मैं डॉक्टर आपसे सहमत हूँ कि एनकेफेलाइटिस है, लेकिन एक याद बात समझ में रखनी चाहिए कि एनकेफेलाइटिस जो बीमारी होती है उसमें जनरली कई किस्म की बीमारी शामिल होती है, एक अम्ब्रेला टर्म होता है। उसमें एनकेफेलाइटिस माने ब्रेन में डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, ज्यादा करके वायरस के कारण होता है। ये जो चमकी बुखार है इसे एनकेफेलोपैथी कहा जाता है, जिसमें ये प्रपोज किया गया, ये साबित भी किया गया है कि एक किसी केमिकल की वजह से ये ब्रेन पे हमला करती है। होता क्या है, ये बच्चे जो है ये बीमारी ज्यादा करके बिहार के उन इलाकों से ये बच्चे आते हैं जो कुपोषित है। नॉर्मली हम दिन में 4-6 बार खाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन और बाकी पार्ट्स को कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई, जो ग्लूकोज की सप्लाई होती है वो हमारे लिवर में से मिलती है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। इन कुपोषित बच्चों में ये ग्लाइकोजन रिजर्व बहुत कम होता है। ये बच्चे कुपोषित होते हैं, कई बार शाम का खाना स्किप कर जाते हैं, तो खाली पेट पे जब नॉर्मल बच्चा सोता है तो एनर्जी सप्लाई कांस्टेंट रखा जाता है कि कोई ग्लाइकोजन से ग्लूकोज आता है। ये बच्चे लीची खाते हैं, लीची में हाइपोग्लाइसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक केमिकल होता है MCPG बोलते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन। ये जो नॉर्मल बच्चों में ग्लूकोज ब्लड में मेंटेन करने की प्रक्रिया पे न्यू ग्लूकोजेनेसिस जो बोलते हैं वो ये केमिकल हैम्फर करता है। इसके कारण ब्लड में शुगर कम होते जाते हैं, ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है, और ये केमिकल ये रिएक्शन में अटकाव लाता है। और इस अटकाव के पहले जो केमिकल तैयार होते हैं, जो अलग अलग किस्म के अमाइनो एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो ब्रेन को हानिकारक होते हैं और ब्रेन को ब्रेन तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब इसमें सारी कंडीशन एक साथ मिलनी चाहिए कि वो बच्चे कुपोषित भी हैं, फिर उन बच्चों ने लीची भी खा लिया। डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन कुपोषित होने चाहिए जी, पानी खाना चाहिए, लीची खानी चाहिए, राइट? हमारे अकादमी के डॉक्टर जेकब जॉन, वो वेल्लोर से वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर अरुण शाह जो बिहार में अभी है पीडियाट्रिशियन, उन्होंने इस मामले की कई डिटेल में खोज और शोध किया था। और बेसिक मुद्दा यह है कि ये कुपोषित बच्चों में पाया जाता है। मैं और आप लीची खाए या कोई हट्टा कट्टा बच्चा लीची खाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। आज जनता ने ये संदेश नहीं जनता तक पहुंचना चाहिए कि लीची हानिकारक होता है। लीची में जो केमिकल होता है, ये जो कुपोषित बच्चे हैं और जो खाली पेट जिनकी ब्लड शुगर लो लेवल पे होती है उनको ये हानि पहुंचाता है। तो ये मुद्दा मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। जहां सवाल है कि बाकी इलाकों में ये हो सकता है क्या, अगर ऐसे बच्चे और कई जगह पाए गए जो कुपोषित है और जो हमारा इवनिंग मील स्किप करते हैं और जिनमें ब्लड शुगर डिप होता है, और उन्होंने अगर ऐसे लीची का प्राशन किया तो उनमें भी ये बीमारी होने की संभावना है। हालांकि मैक्सिमम लीची कल्टिवेशन मुजफ्फरपुर में होता है, इस और काफी वहां पे 5-6 ब्लॉक्स में कुपोषित बच्चों का पॉपुलेशन काफी है, इसलिए उस इलाके में ये बीमारी का अभी काफी आउटब्रेक चला है। लेकिन ये बैकग्राउंड में अगर कुपोषित बच्चे जो इवनिंग मील स्किप कर जाते हैं, जो लीची खाते हैं, ऐसे बाकी इलाकों में भी अगर पाए तो उनमें भी ये बीमारी डेफिनेटली हो सकती है। तो बेसिक मुद्दा है कि माइल न्यूट्रिशन, बच्चे का सेहत, उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव करना लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि ये बीमारी वायरल इंकेफेलाइटिस नहीं है, ये बीमारी केमिकल या पेस्टिसाइड से नहीं हो रही है। इस पर काफी शोध हो चुका है, ICMR इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और CDC उसके निष्कर्ष पे आए थे कि ये हाइपोग्लाइसिन जो लीची में वो कुपोषित बच्चों में ये नुकसान कर रही है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरी है कि बच्चों को कुपोषण से हटाया जाए, उनको मिनिमम स्क्वायर मील मिलना चाहिए दिन में 2 बार एटलीस्ट जी। सेकेंडली रात का खाना स्किप नहीं होना चाहिए। तीसरा, जमीन पर पड़ी हुई लीची वो परेशान नहीं करे। और चौथा, मेडिकल कम्युनिटी में अवेयरनेस जो हालांकि गए 3-4 साल से काफी हद तक क्रिएट किया गया था कि ऐसे बच्चे आए जो
दौरे पर के बच्चे सुबह आते हैं तो तुरंत उनका ब्लड शुगर चेक किया जाए, उनको 10% ग्लूकोज दिया जाए ताकि ये जो केमिकल रिएक्शन सेटिंग होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स किया जा सकता है।